इंडिया टीवी टेक क्विज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सौम्या निगम और आज पिछली बार की तरीके से हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं तीन शानदार फोन और हम उसको करेंगे डिटेल में कंपेयर। सो आज हमारे पास है पोको M4 Pro, OnePlus का Nord और हमारे पास है Realme 9 और हम आपको आज कंपेयर करके बताएंगे कि अंडर 25,000 की रेंज में इन तीनों में से कौन सा फोन बेस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं Realme 9 की और Realme 9 का हमको मिला है वेरिएंट जो कि हमने रिव्यू किया है वो है सनबर्न गोल्ड। ना आप इसका कलर देख रहे होंगे, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, राइट। बहुत सारे फ़ोन मैंने इन पिछले काफ़ी महीनों में अभी बहुत सारे रिव्यू किए बट दिस फोन हैज़ अ वेरी डिफरेंट कलर। यू कैन सर्टनली से लाइक अ मैंगो एज इट इज समर्स, राइट। ऑब्वियसली अब समर्स आ रहे हैं तो मैंगो की तो हम बात कर ही सकते हैं बट बियॉन्ड दैट गैजेट की अगर हम बात करें तो ये फ़ोन काफ़ी फंकी दिखता है। सो फ़ोन का लुक मुझे बहुत बेहतरीन लगा एंड अगर स्क्रीन साइज़ की बात करूं तो 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसके पास और इसका 6.4 इंच का जो साइज़ है स्क्रीन का आप एक हाथ से आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। सो आई पर्सनली लव द फोन, द लुक एंड द एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स हैड अ वेरी स्लीक डिज़ाइन, इट इज़ हैविंग अ वेरी स्लीक डिज़ाइन एंड इट कुड बी ऑपरेटेड। इसका ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, ऐसा स्लिपरी नहीं है। सो गुड फोन अबाउट द लुक्स। इसके अलावा और भी इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये जो फ़ोन है ना दो डिफरेंट वेरिएंट में अवेलेबल है, एक है 6GB रैम और एक है 8GB रैम और इंटरनल स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो वो है 128GB स्टोरेज जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट गुड। अब एंड्रॉयड वर्जन की अगर बात करूँ तो रियलमी 9 चलता है एंड्रॉयड 12 पे विथ रियलमी UI 3.0। इसके अलावा अगर हम कैमरे की बात करें तो इसका मेन हाईलाइट तो आपको दिख ही रहा होगा, कैमरा। आज की डेट में तो आपको पता है सारी मोबाइल कंपनियां कैमरे पे कितना ज़्यादा फोकस कर रही हैं। सो अगेन Realme हैज़ फोकस्ड अ लॉट ऑन इट्स कैमरा। सो कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो दे हैव 108 मेगापिक्सल का प्रो लॉन्ग लाइट कैमरा जो कि सबसे प्राइमरी है। अलॉन्ग विद दैट दे हैव टू अदर कैमराज विच आर 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। बट ओवरऑल अब परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर पड़ा है क्वालकॉम की तरफ से, तो इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। इस फ़ोन में मैंने अभी तक कोई हीटिंग इशू नहीं देखा, मैंने इसमें गेमिंग किया, मैंने इसमें बिंज वॉच किया, सोशल मीडिया सर्फिंग किया एंड इट डिड ऑल द जस्टिस विद द लुक। द परफॉर्मेंस ऑफ द फ़ोन इज़ रियली वेल। अब हम बात करते हैं Realme 9 के बैटरी की। सो हमारे पास जो फ़ोन है ना Realme 9, इसकी जो बैटरी है वो है 5000 mAh बैटरी एंड इसकी जो कैपेसिटी है चार्जिंग की, इट हैज़ अ 33W का डार्ट चार्जर जो कि फ़ोन को यूजुअल चार्जर से फास्टर चार्ज करने में हेल्प करता है। मैंने इस फ़ोन को हेविली यूज़ किया है अलॉन्ग विद गेमिंग एंड इट डिड ऑल द जस्टिस। एक मतलब मैं बात कर सकती हूँ 18 घंटे कंटिन्यूस मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया एंड द बैटरी डिड नॉट ड्रेन आउट। अब हम बात करते हैं प्राइस पॉइंट की, तो Realme 9 का प्राइस जो है वो है 17,499 रुपये। प्राइस भी ठीक है, परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर है, बट एक चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में कॉमन है और इस फ़ोन में नहीं, ये 4G इनेबल डिवाइस है। सो अगर आपको 5G का इतना ज़्यादा एकदम कहते हैं ना कि एग्रेशन नहीं है और आप 4G के साथ आराम से प्ले कर सकते हो, दिस इज़ अ गुड बिल्ड। दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है, काम भी बहुत अच्छा करता है और एक दिन के हिसाब से बैटरी भी आराम से लास्ट कर सकती है। सो दैट इज़ अबाउट Realme 9। अब हम बात करते हैं दूसरे फ़ोन की जो कि है पोको का M4 Pro। पोको का M4 Pro हमको मिला है ब्लू वेरिएंट में, हमने इसको इस्तेमाल किया, हमने इसको करीब 10 दिन इस्तेमाल किया और इसका परफॉर्मेंस हमने एनालाइज किया जैसे हमने Realme 9 का किया था। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो फ़ोन को मैंने अगर बैटरी के बारे में बात करें, कैमरा के बारे में बात करें, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हमने काफ़ी डिटेल में टेस्ट किया। पहले तो आप लुक्स के बारे में बात करते हैं, इसका लुक जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि इसका कैमरा पैनल बहुत डिफरेंट है। आपने ये लास्ट इस टाइप का कैमरा पैनल जो देखा था वो ओप्पो के K10 में देखा था जो कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, और इस बार हम जो लेके आए हैं ये है पोको का और इसका कैमरा इसका मेन अट्रैक्शन है। हमने इसको काफ़ी अच्छे से इनडोर एंड आउटडोर में यूज़ किया, इसके फोटोज़ इसके वीडियोज़ सब शूट किए, मैंने बिंज वॉच किया एंड गेम्स खेले एंड एवरीथिंग वॉज डिसेंट। मैं ये नहीं कहूँगी इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड बट या इट वॉज अ डिसेंट बिल्ड। अब इसकी स्क्रीन की बात करें तो इसका जो स्क्रीन है ना वो है 6.43 इंचेस का। सो अब काफ़ी स्लीक बॉडी है, अगर आप देख रहे होगे तो काफ़ी थिन सा बॉडी है, तो सिंगल हैंडेड यूज़ करने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है और बहुत आराम से आप इसका टच इंटरफेस बहुत अच्छा है, बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हो।
प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक का हीलियो G96 प्रोसेसर है और प्रोसेसर ने भी बहुत अच्छे से एडजस्ट की हुई है। आप इसमें गेमिंग बहुत आराम से कर सकते हो, फ़ोन में कोई खास हीटिंग इश्यू नहीं है। अलॉन्ग विद दैट अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो ये फ़ोन ना तीन डिफरेंट वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज का, दूसरा है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज का, और तीसरा और जो बड़ा वेरिएंट है वो है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का। अलॉन्ग विद दैट ये थोड़ा सा एंड्रॉयड के पुराने वर्जन पे चलता है जो कि है एंड्रॉयड 11, बट परफॉर्मेंस में कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसके पोको ने कोई बार्गेन किया हो। नेटवर्क अनफॉर्चुनेटली 4G है इसमें भी, बट दिस इज़ नॉट दैट प्रॉब्लमैटिक आई बिलीव। अलॉन्ग विद दैट कैमरा, जैसे कि अभी आप पैनल देख रहे हैं, फ़ोन के कैमरे में खासियत यही है कि ये 64 मेगापिक्सल का कैमरा ओन करता है। आपको इसका अगर मैं बताऊँ तो इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आउटडोर फोटोग्राफी में इट प्लेड वेल। फ्रंट अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरे की तो सेल्फीज भी डिसेंट थे। इसका ब्यूटिफिकेशन फीचर काफ़ी अच्छा है कि यू विल लुक वेरी फ्लॉलेस, बट हाँ इट कुड हैव बीन बेटर। मतलब इसमें मैं बात करूँगी कि आप फिल्टर्स यूज़ करने पड़ जाएंगे अगर आपको सोशल मीडिया पर अपलोड करना है तो। सो दैट्स अबाउट द कैमरा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बैटरी, तो इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी है एंड इट सपोज 33 वॉट का MMT फास्ट चार्जिंग। सो इस फ़ोन को मैंने भी करीब यूज़ किया अच्छा खासा 10 दिन के हिसाब से, एंड इस फ़ोन में मैंने सारे मल्टीटास्किंग किए, गेमिंग, कॉलिंग, जूम मीटिंग्स, एवरीथिंग, एंड 15-16 घंटे आराम से ये फ़ोन चला। हाँ बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी, बैटरी चार्जिंग में भी उतना टाइम नहीं लगा क्योंकि 33 वॉट का इसमें चार्जर है ही। सो डीसेंट बिट, कलर अच्छा है, इट हैज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सा फिनिश, लुक अट्रैक्टिव है, फील्स गुड, बट इट कुड हैव बीन मच बेटर अगेन आई कुड से, बिकॉज हमें इस रेंज में ना और भी अच्छे अच्छे फैंटास्टिक फोन्स हैं मार्केट में। अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो मार्केट में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 14,999 रुपये में। सो अंडर 15,000 के हिसाब से अगर आप एक फ़ोन देख रहे हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट, बट यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद कैमरा। अनलाइक Realme 9 का कैमरा, अगर मैं इन दोनों के फ़ोन को अभी इस वक्त कंपेयर करूँगी तो Realme 9 का कैमरा इससे बेहतर है। तीसरा, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे फ़ोन का जो कि हमने रिव्यू के लिए रखा है, वो है OnePlus का Nord CE 2। अब जो फ़ोन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसका नाम है OnePlus का Nord CE 2। जी हाँ, इस फ़ोन की अगर मैं बात करूँ और ख़ासियत की बात करूँ तो आप इसका लुक देख रहे होंगे, इट हैज़ अ ग्लॉसी फिनिश बैक एंड इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट, राइट। इसकी ख़ासियत बहुत सारी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने नोटिस भी की है रिव्यू के टाइम पे। सबसे पहले मैं इसका कलर दिखाना चाहूँगी। आपको भी पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था कि आज की डेट में मोबाइल कंपनी अपने बैक पैनल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो तीनों फ़ोन्स में जैसे आपने देखा, अलॉन्ग विद दैट OnePlus ने भी इस फ़ोन के बैक पैनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। सो अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के लुक की। सो लुक वाइज ये फ़ोन बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, वेरी स्लीक, वेरी इजी टू हैंडल, एंड आई पर्सनली लव्ड इट। इसको मैंने यूज़ किया है करीब 4-5 दिन से, इसको इस्तेमाल कर रही हूँ एज माई प्राइमरी फ़ोन एंड इट डिड एवरीथिंग परफेक्टली वेल। अब एक इंसान अगर एक फ़ोन में देखना चाहता है तो क्या देखना चाहता है, एक अच्छा कैमरा हो, एक अच्छी बैटरी हो, हीटिंग इशू ना हो, मल्टीटास्किंग हैंडल कर सके। सो मेरे हिसाब से ये फ़ोन ने बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मूथली करी। अब मैं अगर इसके स्क्रीन साइज़ की बात करूँ तो 6.43 इंच का एमोलेड फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले इसको कहा जाता है वो है, और प्रोसेसर की बात करें तो ये मीडियाटेक के प्रोसेसर Dimensity 900 पे चलता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर भी है और फ़ोन की परफॉर्मेंस काम करते करते समझ आ भी गए कि फ़ोन बहुत फ्लॉलेस है। स्टोरेज की बात करें अगर तो फ़ोन में 6GB रैम है और 8GB रैम के दो वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं, और इंटरनल स्टोरेज के लिए 128GB का स्टोरेज आपको स्पेस मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बात करें तो OnePlus का OxygenOS है वो चलता है ओवर Android 11। एंड इसका इंटरफेस अगर मैं बात करूँ, अगर आपने Realme के फ़ोन्स यूज़ किए होंगे इससे पहले, तो इसका इंटरफेस ना काफ़ी कुछ सिमिलर है जो डिवाइस मेरे हाथ में है इसकी मैं बात कर रही हूँ। सो इसका कॉलिंग का सारी चीज़ हो रखी है, बहुत स्मूथली चलता है, कॉल साउंड इज़ परफेक्ट, नॉइस कैंसिलेशन बहुत आराम से है कि आपकी कॉल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता इवन इफ़ यू आर डूइंग अ कॉल इन द ट्रैफिक जाम एरिया। उसके बाद अब बात करते हैं नेटवर्क की। जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारे पास Realme 9 था और पोको का फ़ोन था, जिन दोनों में 4G वेरियंट था। अब ये जो फ़ोन है ना, OnePlus ने ये भी 5G इनेबल्ड फ़ोन निकाला है,
सो अगर आप 5G फ्रीक हो आज की डेट में, बिकॉज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट 5G, सो दिस इज द परफेक्ट पिक। अलॉन्ग विद दैट अब हम बात करेंगे इसके कैमरा की। सो OnePlus में 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। पीछे जो आप कैमरे देख रहे हैं उसमें तीन कैमरे हैं, एक है 64 मेगापिक्सल का, एक है 8 मेगापिक्सल का और एक है 2 मेगापिक्सल का। इंडीड इट इज एन ऑसम परफॉर्मर। हाँ, अगर मैं OnePlus के बेसिक फोन्स की बात करूँ और जो इससे पहले आए हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे है, बट अभी जो हमारे पास दो फोन्स और हैं इन दोनों के साथ कंपेयर करें तो इस फ़ोन का सबसे ज़्यादा अमेजिंग पार्ट है इसका कैमरा। आउटडोर फोटोग्राफी, लो लाइट फोटोग्राफी, नाइट लाइफ फोटोग्राफी, इट डिड द जस्टिस। अलॉन्ग विद दैट अब हम बात करेंगे बैटरी की। बैटरी में कैपेसिटी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी कम लगी मुझे इनिशियली जब मैंने पढ़े इसके स्पेक्स, बट परफॉर्मेंस में इट्स अ पास्ट रियलमी, इट्स अ पास्ट पोको। आई मीन 4500 mAh की बैटरी आराम से आप अगर काम कर रहे हो डिसेंटली आराम से 20 घंटे चल जा रही है विद अ सिंगल चार्ज। सो मैं तो काफ़ी अस्टोनिश हूँ इस फोन के परफॉर्मेंस को लेके। अलॉन्ग विद दैट अगर प्राइसिंग की बात करें तो 23,999 के रेंज में इससे बेहतर फ़ोन मेरे को अभी तक तो नहीं दिखा। एंड कैमरे की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, गेमिंग की बात करें, ग्राफिक्स की बात करें, फ़ोन के डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें, आई लव्ड दिस फोन पर्सनली। सो अगर मेरे को रिकमेंड करना हुआ किसी को अंडर 25K की रेंज में, तो मैं सर्टनली OnePlus Nord CE 2 परफेक्टली इसको रिकमेंड करूँगी। और भी अच्छे अच्छे डिवाइसेस के साथ हम आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि मार्केट में ट्रेंड में क्या चल रहा है। सो स्टे ट्यून्ड विद इंडिया टीवी टेक व्हील्स। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, तब तक मैं और अच्छे अच्छे डिवाइसेस रिव्यू करके आपके लिए तैयार करती हूँ। ओके, सो डू मिस मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।